रियलमी ब्रांड। हाँ गाइज, आप लोगों को पता है गाइज, ये दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, और भाई यहाँ पे लोग की फ़ैन फॉलोइंग जो है रियलमी की, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और गाइज़ एक ही जो है, मतलब रियलमी जो एक बाद में मार खा जाते हैं वो ना है, और जैसे पॉलीगार्मो डिज़ाइन और इनका, मतलब इसमें टाइप सी पहले नहीं देते थे, बट अब तो नए नए फ़ोन जो है उनमें टाइप सी भी आ रहा है, अब शायद से ग्लास बॉडी भी आने लग जाए। बट एक जो चीज़ है वो यहाँ पे आप भूल जाते हैं, कलर ओएस। हाँ गाइज, बिकॉज यहाँ पे कलर ओएस जो किसी को भी पसंद नहीं आता है भाइयों को, और पता नहीं मतलब यहाँ पे क्यों रियलमी जो है वो कलर ओएस के साथ इन्हें लॉन्च किया। बिकॉज आपको ये पहले ओप्पो का सब ब्रांड था, देन अलग हो गया, बट ये इसलिए हुआ क्योंकि रियलमी जो ब्रांड है यहाँ पे बहुत ही बड़े ब्रांड है, बट कलर ओएस का जो इनका, मतलब कलर ओएस 6 जब, मगर जब आया तो इम्प्रूवमेंट बहुत ही दिखी, और मतलब अच्छा कलर ओएस 6 बन गया, मतलब बोल सकते हैं अच्छा चलाने के लिए अच्छा चलने लगा था, बट वो मतलब मज़ा नहीं आती ना जब तक हमें एक अच्छी यूआई ना मिले। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अन सब के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है यहाँ पे, जिन जिन के लिए भाई जो रियलमी के ओएस के लिए वेट कर रहे थे, और ये है अपडेट की गई यहाँ पे गई, रियलमी का एक अपडेट आया, मतलब रियलमी ओएस आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में हम इसी फोन के बारे में, इसी ओएस के बारे में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया, वीडियो लेट आ रही है उसके लिए सॉरी, और देख सकते हैं भींगे भींगे हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पे जो रियलमी का ये नया ओएस है, यहाँ पे माधव सर ने इसको कंफर्म, मतलब इनने वहाँ पे एक मिस्ट्री प्रोजेक्ट करके लिखा है, एक्स मिस्ट्री प्रोजेक्ट बाय रियलमी कुछ है, तो यहाँ पे उनने रियलमी 3 प्रो यूज़र, यहाँ पे देखेंगे रियलमी 3 प्रो सबसे जल्दी चलता है ना, तो इसी में मतलब उनने सबसे पहले अपडेट जो है पुश किया है, मतलब अपडेट आप नहीं मतलब बोल सकते हैं, आप बीटा वर्जन में उसको चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़िया बात है, जो जो रियलमी 3 प्रो यूज़र्स हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया बात हो गई। एंड रियलमी एक्स के लिए क्यों नहीं किया ये मुझे नहीं पता, बट हाँ हो सकता है कि आगे इन फ्यूचर आपको जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पे रियलमी 3 प्रो जो है, मतलब आप क्या बोलते हैं, आराम से इसका जो बीटा वर्जन है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रियलमी ओएस के बारे में अभी यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ रियलमी ओएस जो है बहुत ही बढ़िया ओएस होने वाला है। जैसे कि आप लोग पता है ऑक्सीजन ओएस जो है एंड स्टॉक एंड्रॉयड जो है वो सबसे टॉप पे चलते हैं, मतलब सबसे पहले स्टॉक एंड्रॉयड है, देन आता है ऑक्सीजन ओएस, देन अभी थर्ड में आया था आई थिंक वन यूआई बढ़िया चल रहा है। तो अभी ये जो 3 यूआई है बहुत ही बढ़िया है, बट अब यहाँ पे गाइस इसी जगहों पर आ रहा है अपना रियलमी ओएस। तो रियलमी तो हमेशा हर काम जो करता है वो हट के करता है। तो यहाँ पे रियलमी का जो ये जो नया ओएस होने वाला है, ये बोला जा रहा है फ्री टू वो होने वाला है, मतलब फ्री, ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ ऐप्स नहीं मिला करेंगे, फ्री फ्री मतलब ज़्यादा आप लोगों को देखने मिला करेगा, मतलब जैसे आपको स्टॉक एंड्रॉइड में देखने मिलता है वैसे ही कुछ हमें इस फ़ोन में भी देखने मिल जाया करेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी देखने में, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे फ्री टू यूज़ मतलब आजकल सबको ही पसंद है, एंड मुझे पर्सनली खुद बोलते हैं तो मुझे स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, और ऑक्सीजन ओएस भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी बोले जा रही है थोड़ा ऑक्सीजन ओएस जैसे ही होने वाला है फ्री टू यूज़, वो बहुत मतलब फ्री होगा यूज़ करने के लिए, आप बहुत जल्दी जल्दी मतलब फास्ट भी होने वाला है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पे रियलमी को अपना एक, क्योंकि उनके फ़ोन जो होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, वो इसमें मार खा रहे हैं, तो इसलिए उनमें उनमें ध्यान देना चाहिए उसमें, और रियलमी अब उसमें ध्यान दे रहा है। और रियलमी 3 प्रो में आप चाहें तो आप उसे बीटा वर्जन पे अपलोड मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस ये था आज का वीडियो, बताइए जरूर कमेंट करके आप लोगों को कैसा लगा, मैंने छोटा ही वीडियो बनाया, वो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया, रियलमी के बारे में था, रियलमी जो नया ओएस आने वाला है बढ़िया ओएस होना चाहिए। मैं यही बोलूँगा रियलमी को कि जो ये नया आप ओएस ला रहे हो कि फ्री टू यूज़ हो, एंड्रॉयड मतलब बेस तो एंड्रॉयड ही से होगा, बट हाँ मेन बात ये रहेगी अपने वो जो अपने अलग से आइकन्स बना देते हैं ना रियलमी वाले, मतलब जो कलर ओएस में था, बट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अलग जैसे आप एंड्रॉयड वाले एंड्रॉयड 1 जो से आता है, तो वैसे ही कुछ आइकन्स, वैसे ही कुछ फ्री टू यूज़ आप बनाएं तो वो अच्छा ओएस बन सकता है, वरना तो यार वही रियलमी वाले मतलब ओप्पो वैसा ना बना दे जैसे कलर ओएस जैसे वैसा। तो बस यही मेरे थॉट्स थे इस वीडियो में, और मैंने आप लोग से शेयर कर दिए, आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को रियलमी के इस नए ओएस के बारे में क्या लगता है। मैंने आप लोग को अपने थॉट्स तो बता ही दिए हैं, मुझे जो कमेंट करके बताएं आप लोगों के क्या थॉट्स हैं रियलमी ओएस के बारे में। मैं तो वो यही बोलता हूँ कि रियलमी ओएस को मतलब आप इतना अच्छा लाएं, बिकॉज रियलमी ब्रांड बहुत बढ़िया है, आपको पता है लार्जेस्ट में 4th नंबर बन चुका है अभी यहाँ पे। अब तो अब आपको क्या चाहिए, बस आपको एक ओएस ही करना है, बस बहुत ही बढ़िया कंपनी हो सकती है। एंड गाइस ये था आज का वीडियो, पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके लिए टेक से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।